हर्बल रेमेडीज एंड नेचर सीजन में मित्रों आपका स्वागत है। आज एक और प्लांट की चर्चा करेंगे। पेपरोमिया पेलुसिडा पाइपरेसी फैमिली का प्लांट है, उसी फैमिली का प्लांट है जिसकी आप पिपली का इस्तेमाल करते हैं। पिपली काली मिर्च ये सब अच्छे मसालेदार प्लांट हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोग में आते हैं। इसी फैमिली का प्लांट है पाइपरोमिया पेलुसिडा। पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये हर्बेशियस प्लांट औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आता है और कई विलक्षण इसके औषधीय गुण हैं। आज हम इसकी ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे किसान भाई उनके खेतों में होने वाली इस महान औषधि को उखाड़ कर फेंक देते हैं खरपतवार समझकर। ज्ञान की अनभिज्ञता के कारण और जानकारी ना होने के कारण ऐसा हो जाता है। आप इसका सुखाकर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और कई प्रकार से आवश्यकता अनुसार मौसम में जब भी आपको इस प्रकार की आवश्यकता हो इसको उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आज हम बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर्स के लिए, किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, किडनी स्टोन की समस्या है उसको ठीक करने के लिए, और मित्रों पेशाब के लाने के माध्यम से, अगर मैं कहूँ डाईयूरेटिक्स, इसको कहते हैं पेशाब को लाने वाला डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक एक्टिविटी इस प्लांट की होती है और डाईयूरेटिक एक्टिविटी से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर स्पॉन्टेनियसली अचानक आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया, ऐसी अवस्था कभी नहीं आने देता है। किडनी के फंक्शनिंग को प्रॉपर रखता है। मित्रों जिन लोगों में किडनी अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, किडनीज अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, ऐसे व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के शूट होने की समस्या, ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ने की समस्या बहुत कॉमन समस्या है। तो प्रिमिटिवली आप बॉडी के हेल्थ के बारे में काफ़ी हद तक अपने आप ही जान सकते हैं कि अगर आपको लगातार हाई बीपी की समस्या बनी हुई रहती है तो कहीं ना कहीं आपको अपने किडनी फंक्शनिंग टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मित्रों दूसरा, यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, जिसको प्रोटीनूरिया कहते हैं, ये शरीर के अंदर वीकनेस लाने वाला होता है और किडनीज़ के डिसऑर्डर को कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंगित कर रहा है, आपको बता रहा है। अगर आपका पेशाब के अंदर वाइट कोगुलेटेड मटेरियल या फिर कुछ ऐसा चिपचिपा पदार्थ अगर आता है तो आपको अपना यूरिन सैंपल अवश्य टेस्ट कराना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रोटीनूरिया की समस्या ये हो सकती है जो कि किडनी डिसफंक्शन के बारे में आपको बता रहा है। ऐसी अगर समस्याएं हैं तो 5 ग्राम कम से कम ये आप ले लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए, 200 मिलीलीटर पानी में जब ये आधा रह जाए छान कर आप उस काढ़े को शहद मिलाकर सेवन कीजिए। 15 दिन के अंदर प्रोटीनूरिया की समस्या, किडनीज़ के अंदर स्टोन की समस्या, फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हुए डाययूरेटिक एक्टिविटी शो करते हुए, किडनी के फंक्शन को नॉर्मल करते हुए आपको उत्तम स्वास्थ्य देने का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल इसका होता है, कई प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कई प्रकार के एपिजेनिन और स्टिग्मा स्टेरॉयड की प्रेजेंस के कारण एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है। मित्रों आँखों की समस्याएं, कंजंक्टिवाइटिस रेडनेस की समस्या, ग्लूकोमा जिसके अंदर आँखों में दर्द रहता है, प्रेशर डेवलप हो जाता है, और रेटिनोपैथी, ये सब समस्याएं बढ़ते हुए एज के कारण या मेटाबॉलिज्म के डिसरेगुलेशन के कारण या हमें क्रोनिक कोई डिसऑर्डर्स हैं उनके कारण हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो उन सब को ठीक करने के लिए भी आपको इसका डिकॉक्शन का सेवन करना चाहिए। एकमात्र डिकॉक्शन पूरे प्लांट का आपको साथ साथ लेना है। दूसरा, आँखों में डालने के लिए ये एपिकल पोर्शन का आप इन्फ्यूज़न बना लीजिए। इन्फ्यूज़न को ड्रॉपर से 2 से 3 ड्रॉप एक बार में, दिन में 2 से 3 बार आप डालिए। 1 हफ्ते के अंदर आँखों की हीलिंग करते हुए आँखों की विज़न को भी बढ़ाने का कार्य करता है और रेटिनोपैथी को धीरे धीरे कम करते हुए आँखों की अच्छी हेल्थ को बनाए रखने का भी कार्य करता है। कई प्रकार से स्मॉल पॉक्स के लिए, मीजल्स के लिए, इन सब के निराकरण के लिए भी आप इसको उपयोग में लाइए, आप इसका काढ़ा बनाकर उपयोग कीजिए और इसके कोमल पत्रों में अगर आप पेस्ट बनाकर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाकर अगर आप स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन की कई प्रकार की समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। इमोलिएंट नेचर होता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, स्किन की टोनिसिटी को बनाए रखते हुए स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के माइक्रोबियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों ये
एक वीड के रूप में हमें खेतों में देखने को मिलता है, लेकिन इतने औषधीय गुण हैं इसके, अगर हम इसको उपयोग करें तो मैं समझता हूँ कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और मालामाल हो सकते हैं। काफ़ी पोटेंशियल इस प्लांट के हैं, इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल पोटेंशियल है, इसके अंदर कई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बनाने की क्षमता है, इसके अंदर कई प्रकार के कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए उपयोग में आप इसको ला सकते हैं, स्किन की अच्छी हेल्थ के लिए, बालों के अच्छे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए। ये प्रकृति का दिया हुआ अनुदान हमें मिला है, लेकिन हम इसको अन्यथा वीड ही समझकर इसकी उपयोगिता को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इसके गुणों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए, अच्छी स्किन हेल्थ के लिए, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ की समस्या के लिए, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, अल्सर की समस्या है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन समस्या रहती है, तो उन सबको ठीक करने का कार्य करता है एक प्लांट और कई प्रकार के डिसऑर्डर्स की औषधि। ये सब प्रकृति के वरदान जो हैं प्लांट्स, इन्हीं के माध्यम से संभव है। अन्यथा सिंथेटिक मेडिसिन के केस में आप एक या दो डिसऑर्डर के लिए ही कई प्रकार की दवाइयाँ एक साथ खानी पड़ती हैं, जो कि बाद में हमारी इम्यूनिटी कम करने वाला, सप्रेस करने वाला और लीवर को प्रॉब्लम करने वाला होता है। तो ये जो जानकारी आज आपको मिल रही है, इसको आप ज़रूर साझा कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाइए। मित्रों, ये प्लांट हैं, प्रकृति का वरदान है, अनुदान है, आप इनको उपयोग में लाएंगे तो ही आने वाले जनरेशन के लिए ये संरक्षित हो पाएंगे, गुणों की जानकारी आने वाले जनरेशन को ट्रांसमिट हो पाएगी। आपको अगर ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नित्य आने वाली जानकारी जो सुबह 6:30 बजे आपको प्राप्त होती है, उससे आप लगातार जुड़े रहिए, जानकारी को देखते रहिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं हम लोग करते हैं और मंगल कामनाओं के साथ साथ फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।